दोस्तों इंसान के शरीर के सभी तिल को हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि शरीर में लाल तिल का होना भी शुभ माना जाता है, लेकिन शरीर के अलग अलग हिस्सों में काले तिल का होना शुभ और अशुभ दोनों के अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसी के साथ दोस्तों शरीर में मौजूद मस्सों का भी तिल जैसा ही प्रभाव होता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शरीर के अलग अलग अंगों पर मौजूद तिलों के मतलब के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं होंठ पर तिल होने का क्या मतलब है। अगर स्त्री या पुरुष के होंठों के दाईं ओर तिल का निशान होता है तो उनका उनके जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता रहता है, इनके बीच बेहतरीन और बेहद प्रेम का संबंध बना रहता है। वहीं अगर इसके विपरीत तिल हो यानी होंठ के बाईं ओर तिल का निशान हो तो जीवन साथी के साथ मतभेद बना रहता है। दोस्तों जिन लोगों के निचले होंठ पर तिल होता है चाहे दाईं ओर हो या बाईं ओर, अगर तिल निचले होंठ पर है तो ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। महिलाओं के होंठों पर तिल लोभ कामुक और विलासिता का संकेत है, ऐसी महिलाओं के लोग दीवाने होते हैं। ये ज़्यादा चालाक और लोगों को अपनी बातों में फंसा कर हानि पहुँचाने में माहिर होती हैं। छाती पर तिल की अगर बात करें तो बाईं ओर तिल या मस्सा होता है तो उस व्यक्ति की शादी ज़्यादा उम्र में होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति कामुक होते हैं, उन्हें हृदय रोग की आशंका रहती है। वहीं जिन व्यक्ति की छाती पर दाईं ओर तिल का निशान होता है वो धनवान होते हैं और इनका जीवन साथी भी सुंदर और योग्य होता है। महिलाओं की छाती के दाईं तरफ तिल शुभ माना गया है जबकि बाईं तरफ तिल अशुभ होता है। छाती की दाईं तरफ वाली महिलाएं प्रसन्नचित रहती है। जिन लोगों को पेट और हृदय के ऊपर तिल होता है उन्हें हमेशा तरह तरह का भोजन करने का शौक होता है। दोस्तों कौन है जो भगवान भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। जय महाकाल जय भोलेनाथ। दोस्तों अगर हम हथेली पर तिल की बात करें तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि हथेली पर अंगूठे के नीचे का जो भाग है उसे शुक्र पर्वत कहते हैं। जिनकी हथेली में शुक्र पर्वत पर तिल होता है वो जीवन में अपार सफलता हासिल करते हैं। वहीं अगर अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कितनी भी अच्छा काम क्यों ना करे उसे यश नहीं मिलता। अगर तिल अनामिका उंगली पर है तो उस व्यक्ति को कभी भी धन और यश की कमी नहीं हो सकती है। अनामिका उंगली की अगर हम बात करें तो आपकी हथेली में अगर आप अंगूठे की ओर से गिनेंगे तो अंगूठे को छोड़ करके जो आपकी तीसरी उंगली है वो अनामिका उंगली होती है। सबसे छोटी उंगली पर तिल हो तो इंसान यशस्वी होता है लेकिन हमेशा अशांत रहता है। इसके अलावा हथेली के बीच में अगर तिल हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, उसे धन की कमी महसूस नहीं होती है। अगर किसी के पेट पे तिल हो तो ऐसे लोग बहुत फूडी होते हैं यानी कि खाने के काफी शौकीन होते हैं। तिल अगर नाभि के बाईं ओर हो तो व्यक्ति को पाचन से जुड़ी परेशानियां होती है। जिसके नाभि के नीचे तिल का निशान होता है उन्हें यौन रोग की संभावना रहती है। महिलाओं की नाभि या उसके आसपास अगर तिल हो तो इसे बेहद शुभ माना गया है, ऐसी महिलाओं को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। जबकि नाभि के ऊपर पेट पर तिल होना शुभ नहीं होता है, ये व्यक्ति के दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। दोस्तों जिस इंसान के माथे पर दाएं ओर तिल का निशान होता है वो खूब धन कमाते हैं लेकिन बहुत ही खर्चीले किस्म के लोग होते हैं। ये जल्द पैसा खर्च कर देते हैं और अपनी इसी आदत की वजह से इन्हें कई बार आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। वहीं जिन लोगों के माथे के बीच में तिल होता है तो वो बहुत ही भाग्यवान होते हैं। वो लोग जिन क्षेत्रों में भी कोशिश करते हैं उसी में उनका भाग्य उनका साथ देता है और ऐसे लोग जीवन में हमेशा सफल होते हैं। वहीं अगर माथे के बाईं तरफ तिल हो तो जीवन में कष्ट और परेशानी देता है। अगर किसी के गालों पर तिल है तो ये तिल उसे बुरी नजर से बचाता है। चेहरे के दाहिने तरफ तिल है तो इसे शुभ माना गया है और बाईं तरफ का तिल थोड़ा परेशानी देता है। वहीं अगर भौहों के ऊपर तिल हो यानी आईब्रोज के ऊपर अगर तिल हो तो वो शुभ होता है। जी हाँ दोस्तों, भौहों के ठीक बीच में तिल काफी शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों का शादीशुदा जीवन खुशहाल रहता है, इन्हें जीवन में धन भी काफी मिलता है। अगर किसी की नाक पर तिल है तो आपको बता दें कि नाक का तिल बताता है कि आप बेहद झगड़ालू है। ऐसे लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा
फायदा भी मिलता है। ऐसी महिलाएं जिनकी नाक पर तिल होता है भाग्यशाली होती है। नाक की दाई और तिल वाली महिलाएं हमेशा शांत और एकांत पसंद करती हैं। ठोड़ी पर अगर तिल है तो ये बताता है कि आपके जीवन में पैसा ही पैसा है। खास तौर पर अगर महिलाओं की ठोड़ी पर तिल होता है तो ऐसी महिलाएं धनवान होती हैं। इन्हें कभी भी पैसे की कमी महसूस नहीं होती है। कमर पर तिल शुभ होते हैं। वहीं अगर गुप्त अंग पर तिल है तो विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षण होता है। पैर में तिल का निशान उच्च पदों पर पहुंचाता है। जांघ पर तिल वाली महिलाओं से पुरुष काफी आकर्षित होते हैं। पीठ का तिल बताता है कि ऐसी महिलाएं काफी रोमांटिक होती हैं। ऐसे व्यक्ति खूब कमाते हैं और जमकर खर्च भी करते हैं। इन्हें पैसों की कमी कभी भी नहीं रहती। महिलाओं की बाहों पर अगर तिल है तो वो शुभ है। बाईं भुजा पर तिल होने से पुत्र और धन प्राप्ति होती है। दाहिने हाथ का तिल महिलाओं को धनवान बनाता है। उंगली पर तिल होने से भी धन प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।